Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. Good morning, people. I hope ki aap sab ka din acha jaye. Welcome back to another vlog. Aasha karte hain aapka din aur sab kuch behtareen ja raha ho. Usi ke saath main batata hoon, aaj mera 3 days का फास्ट कंप्लीट होता है. आज फोर्थ डे शुरू होता है, तो फोर्थ डे को आज हम कुछ खाएंगे पिएंगे थोड़ा बहुत. ऐसा नहीं कुछ अनहेल्दी खाएंगे, प्रॉपर हेल्दी खाना खाएंगे. एंड देन कल से वापस से फास्टिंग पे आ जाएंगे. सिंपल. सो या 3 days फास्ट विदाउट एनी फूड पूरा किया. गुड ना? वैसे मैं 10 दिन भी कर सकता हूँ, बट इस बार मेरे को ऐसा नहीं करना है. मेरी हेल्थ के साथ वो नहीं करना है. एंड आई लॉस्ट लाइक 17 kg था मेरा वेट. 17, अभी मेरा 14 है. तो यार नॉट बैड, मतलब थोड़ा सा कम हुआ है. होता रहेगा, धीरे धीरे कम होगा. एक बार, इस बार ऐसा नहीं करना है कि 10 दिन में 10 kg वेट कम कर देना. इस बार ऐसा करना है कि आराम से धीरे धीरे महीने में 3-4-5 kg वेट कम करना है. क्योंकि क्या होता है, जितना जल्दी आप वेट लूज करोगे उतनी ही जल्दी आप फिर वेट गेन कर डालोगे, विच इज नॉट गुड, लाइक विच इज वेरी बैड. सो इस बार धीरे धीरे वेट लूज करेंगे और धीरे धीरे, ताकि अपना मेटाबॉलिज्म होता है ना, वो बढ़ाए हम. या सो डन. चलिए आज व्लॉग की शुरुआत करते हैं इसी अच्छे से भाषण के साथ. और अब कुछ खाएंगे, वो हम क्या खाने वाले हैं पता है? एप्पल. पहले फ्रूट से शुरुआत करेंगे एंड देन दोपहर में वी विल हैव अ गुड मील. सो एप्पल आ चुके हैं और आई एम वॉचिंग कॉफी विद करण. सो पापा के लिए खाना बन रहा है, मस्त मस्त पराठे. रजनी आज बना रही है, जल्दबाजी है, इमरजेंसी है, इसलिए मम्मी बेल रहे हैं. देखो ये कौन सा भारत, ये आई थिंक अफगानिस्तान का नक्शा है. और ये सब्जी रेडी हो गई है पापा के लिए, इसके अंदर जूस रेडी हो गया है. खाना बन रहा है तड़ातड़ एकदम. चली गया होगा कि मैं पापा को टिफिन देने जा रहा हूँ, क्योंकि टिफिन बन रहा है. सो बस वहीं जा रहे हैं अभी. 2:03 पे पहली रोटी बनाई थी, मतलब पराठा बनाया था, और अभी देखिए बन गया. बस डन, शी इज डन एंड इट इज जस्ट 2:10. इतना स्पीड में खाना बनाते हैं मेरी मम्मी तो, कि क्या बताए. मम्मी ने आज बहुत स्पीड में खाना बनाया. तेरे को पता है, अभी मैं थोड़ी देर पहले आया ना, तब तो यहाँ कुछ तैयार भी नहीं था. मम्मी ने बहुत स्पीड में बनना डाला. क्या है? पापा ने फिर से बेवकूफ बनाया, मतलब सच्ची. अभी तक यहाँ पर आए नहीं, हम उनको टिफिन देने पहुँच गए, पता नहीं कहाँ है, कब से वेट कर रहे हैं उनका. पीछे बादल कितने मस्त हो रखे हैं, और मैं अकेला नहीं हूँ, वैसे हीना भी आई हुई है पीछे. पर क्या मस्त बादल हो रखे है. आ गए मेरे पापा. ये लेके जाए, ये कौन लेके जाएगा? नहीं पर वो गिर जाएगा. नहीं नहीं पर अंदर जैसे वो टिफिन फंसा है ना, वैसे वो फंसा देंगे पापा. हाँ सब सिखाना पड़ता ही ना. नहीं नहीं पापा कोई प्रॉब्लम नहीं है. बाय बाय. मेरा हाथ फट गया है. हाँ दादा मारे हाथ फट गया. ठीक बाय बाय. बाबा सीताराम जय माता दी. बाबा सीताराम जय माता दी. पापा हाँ जाके वापस आ गए पापा को टिफिन देके. बाप रे आज बहुत गर्मी थी, फुल ऑन फुल वो जाके आ चुके हैं. और आज हमारे खाने में बहुत बढ़िया बढ़िया खाना बना है, चलिए दिखाता हूँ आपको. सो सबसे पहले सैलेड, मिक्स पराठे हैं ये, मतलब इसमें क्या क्या डाला ही ना? फूल गोभी है, पत्ता गोभी है, बीट है, गाजर है. हाँ फिर क्या बोलते हैं, प्याज है, अदरक है. ओह अदरक भी डाला है, मतलब फुल हेल्दी पराठे है. और इसमें ना के बराबर तेल डाला गया है. और साथ में हीना ने क्या बनाया है, दिखाओ हीना. और साथ ही में ये मस्त वाली सूखी आलू की सब्जी है.
तीन दिन के बाद खाना खा रहा हूँ, सो वन मील होगा आज, और फिर वापस से अपना पूरा दिन वैसा ही सिंपल, कुछ खाने का नहीं ज्यादा, फिर कल से तो वापस फास्टिंग शुरू हो जाएगा। तो पहले पराठा ट्राई करते हैं। एक्चुअली अच्छा है, हल्का सा खट्टापन भी है, बहुत बढ़िया है, लिटरली बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, जीरा है, सामचूर पाउडर, खाना बहुत आज अच्छा है, मस्त है, मजा आ जाएगा, थोड़ा मोटा हो जाऊंगा बट ठीक है, कोई बात नहीं, खाने पे वो नहीं करने का, जब खा रहे हो तो आराम से खाओ, बाद में डाइटिंग करो। अपनी भी खाना खाने बैठ गई है और ये देखिए मेरा प्लेट है, कितना प्यारा लग रहा है। यो व्हाट्स अप गाइस, आफ्टरनून हो चुका है, सॉरी आफ्टरनून नहीं, इवनिंग हो चुका है, 5 बज रहे हैं। आज हमारा प्लान था कूड़ा बीच जाने का, बट वो अब नहीं हो पाएगा क्योंकि ऑलरेडी 5 बज चुके हैं। हीना ने आज हमको धोखा दे दिया, वो कहीं बाहर गई है एनीवे, सो शी वाज सपोज्ड टू कम बाय 4:30 और हम लोग बाहर जाने वाले थे, बट आज तो वो पॉसिबल हो नहीं पाएगा, सो आज हम अब बाहर नहीं जाएंगे, हम जाने वाले हैं सोनू को घुमाने जाएंगे, जब हीना आएगी तब उसके बाद मेरा मन कर रहा है। एंड आई एम प्लानिंग अ न्यू वीडियो, लाइक कुछ हट के थोड़ा, जो व्लॉग्स होते हैं ना उससे, तो आप कमेंट में लिखिएगा कि आपको कुछ नया देखना है कि नहीं, बिकॉज मेरे पास एक प्लान है एंड आई एम वर्किंग ऑन दैट वीडियो, इंटरेस्टिंग हो सकता है, थोड़ा फनी हो सकता है, मे बी, क्या पता, थोड़ा रोस्टिंग टाइप का होगा, अगर आप इंटरेस्टेड है देखने में तो कमेंट में यस लिखिएगा, यस यस रोस्ट, यस रोस्ट, ठीक है, या फिर कुछ भी लिखिएगा, बोलिए मेक अ न्यू वीडियो, समथिंग लाइक दैट, कुछ भी लिखिए बट कमेंट कीजिए, ठीक है। एंड आजकल आप लोग यार लाइक नहीं करते हो, आलस आ रही है क्या ऐसा बटन दबाने में, वो थम्स अप वाला बटन दबा दो, ना पसंद आए तो थम्स डाउन वाला भी दबा दो, चलो आज इस बार 50 डिसलाइक दे दो बस, चलो जाओ, नहीं चलो 100 डिसलाइक दे दो बस जाओ, बट दे दो, एंगेजमेंट रखना चाहिए, ठीक है, एंगेजमेंट होना चाहिए, तो दे दीजिए, 100 डिसलाइक दोगे तो अभी चलेगा, बट दो, थम्स अप पे क्लिक करो या थम्स डाउन पे क्लिक करो, करो। अगर इस वीडियो पे 30 लाइक्स आ जाते हैं ना, देन आई विल रिलीज दैट न्यू वीडियो व्हिच आई एम टॉकिंग अबाउट, कुछ न्यू कंसेप्ट, बहुत अच्छा होने वाला है, ट्रस्ट मी ऑन दैट। 6 बज गए हैं, गार्डन में थोड़ा पानी वानी देते हैं पौधों को और थोड़ा काम करते हैं। चलिए गाइस, बहुत ज्यादा खूबसूरत सनसेट हो रहा है, यू वांना सी, ओ माय गॉड, जस्ट लुक एट दिस, मेरे फेस पे गोल्डन, वो देख सकते हो इधर पर, सो सोच लो मेरे फेस पे इतना अच्छा लाइट आ रहा है तो सनसेट कितना खूबसूरत हो रहा होगा, आई विल जस्ट शो यू, लाला टिंग, आउटस्टैंडिंग राइट, कितना खूबसूरत है बाबा, चलो बैक कैमरा से दिखाता हूँ, जस्ट लुक एट दिस ब्यूटिफुल सनसेट, ओ माय गॉड, दिस इज सो कूल, कितना खूबसूरत सनसेट है, ओ माय गॉड, काश आज हम बीच जाते तो इतना खूबसूरत सनसेट देखने मिलता हमको। I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Things are not the same. और ये हमारा सोलर पैनल है, थोड़ा गंदा हो गया है, अब थोड़े दिन में साफ कर देंगे, कल या परसों में, 2-3 दिन में इसको साफ करना पड़ेगा, वैसे आज स्काई भी बहुत प्यारा लग रहा है, वाव, काफी खूबसूरत लग रहा है आज तो। और हमारे घर में नीचे, हमारे पड़ोसियों के घर में भजन चल रहा है इसलिए आवाज आ रही है वो, वाव, तो दिल ही नहीं भर रहा इस सनसेट को देखते हुए, ओ माय गॉड, कितना खूबसूरत है बाबा, एकदम प्यारा लग रहा है, वाओ, ऐसे बहुत दिनों के बाद अच्छा सनसेट देखने मिला है, लाइक मुंबई में हम रहते थे तो सी वाले वहाँ पर सब जगह जाते थे तब मिलता था, एंड नाउ लाइक काफ़ी समय बाद इतना खूबसूरत सनसेट। गाइस मैं चाहता हूँ आप लोग है ना ये देखे, सो अभी से बता देता हूँ, ये एक मजाक है बट हीना को नहीं बताऊंगा मैं, तो हीना के ऊपर प्रैंक करते हैं, ठीक है, हीना को मैं डांट रहा हूँ, पानी पी लो डंडा, I'm sorry, चलो क्या काम है, बोलो कितनी लापरवाह हैं, बोलो तो
कितनी लापरवाह बताओ तो। बहुत बड़ी। आई एम सॉरी राहुल। सॉरी क्या, क्या मैं आचार डालू? हाँ बोलो। सॉरी क्या, क्या मैं आचार डालू? ये टाइम की कोई कदर होती है ना, मतलब आप एक मैसेज नहीं कर सकती। फोन हॉस्पिटल में था तो क्या हो गया, एक मैसेज नहीं कर सकती थी? हॉस्पिटल में छूट गया तो मैं वहाँ से बाहर गया। वो मेरी कोई गलती है? आपको टाइम नहीं देखना था कहीं पर भी? इतनी बड़ी घड़ी क्यों लगा के घूम रही हो? है जब देखा ना तब, फिर आपने जब कॉल किया तभी मैंने देखा। नहीं घड़ी, घड़ी क्यों पहनी है? जब आपको वीडियो शूट कर ले तो। हाँ ना ना, घड़ी क्यों पहनी है बताओ तो। मैंने देखा। नहीं नहीं वो कुछ नहीं। नहीं घड़ी क्यों पहनी आपने? ना ना, अगर आपको टाइम नहीं पता रहा तो आपने घड़ी क्यों पहनी थी बताओ तो। सॉरी। सॉरी क्या होता है? नहीं पता रहा। नहीं यार, पिछली बार किसने प्लान कैंसिल किया था बीच जाने का बताओ तो, सच बताना। संडे को जब हमने प्लान बनाया था तब किसकी वजह से कैंसिल हुआ था? उस दिन प्रॉब्लम हो गई थी। पर क्या प्रॉब्लम हुई थी, किसकी वजह से हुई थी, किसने तांडव शुरू किया था? हम दोनों की वजह से नहीं ही ना, गलत मत बोलो। आपकी वजह से, आपने खुद एक्सेप्ट किया है। और अभी आज किसकी वजह से प्लान कैंसिल हुआ? नेक्स्ट सैटरडे संडे प्लान कैंसिल हुआ। नेक्स्ट सैटरडे संडे गया तेल लेने, आज किसकी वजह से प्लान कैंसिल हुआ बोलो? इधर रुक जाना, मेरी बैंड बज रही है। इधर ही रुक जाना, मेरी बैंड बज रही है। काश मैं रुक बज जाऊं। नहीं बताओ तो। इतना देखो सनसेट देखा आज आपने? बहुत हाँ है। तो फिर इतना अच्छा सनसेट हो रहा था, मुझे बीच पे देखने जाना था। मैंने आज फोरकास्ट वेदर कार्ड सब देख लिया था, कितने बजे सनसेट होगा, सब कुछ होगा, सब कुछ मेरे अकॉर्डिंग प्लान पे था। आप क्यों नहीं आई? फंस गई थी का क्या मतलब होता है ना, थोड़ा तो शर्म करो यार। सॉरी। हाँ सॉरी, प्रैंक था भाई, दबे छोड़ो, जान दो। देखा इसकी शक्ल, देखी सड़ू। हाँ मेरा गुस्सा जायज था, पर प्रैंक कर रहे थे हम इसको, डांटने का नहीं था। ठीक है, अभी ठीक है, वो हॉस्पिटल गई थी, कुछ इमरजेंसी थी, तो उसमें क्या कर सकते हैं, कोई ना। बट उसको एक मैसेज करके मेरे को बताना तो चाहिए कि वो आज मिस, आज नहीं आ पाएगी। बट नहीं, मैसेज भी नहीं करेगी, कभी मैसेज नहीं करेगी, लेट होगी तो भी मैसेज नहीं करेगी। ये देखो, ये सोनू कैसे बच्चों को टॉर्चर करता है। ये देखो, ये देखो, ये देखो, वो बच्चों को टॉर्चर कर रहा है फालतू में। हाँ ये सब है सोनू के। हाँ ये सब देखो, सोनू को परेशान कर रहे हैं। ए सोनू देखो, आया आया वहां पर आया। ये इनका गेम चलता रहता है। अब देखना सोनू आएगा वहां से, ये ये इनका गेम चलता है। बस बस सोनू को पूरा का पूरा 2 किलोमीटर घुमा के लाए भावनगर में आज, और वो भी ट्रैफिक वाले, उसमें मजा आ गया, हिला भी नहीं बेचारा बच्चा हमारा। सो एनीवे, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, एंड ऑल्सो डू शेयर, ओके? और अपना ध्यान रखें, अपने माँ बाप का ध्यान रखें, अपनी सोसाइटी को साफ रखें। बाय बाय, टेक केयर। But I'll be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago.